उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉरपोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। पासवान समाज के व्यवसाय में पुलिस डाल रही खलल, नीरा व्यवसायी की आवाज बुलंद करेंगे विधायक अजीत शर्मा, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे इनकी आवाज। बरारी मोहल्ले के पासी टोला के रहने वाले पासी समाज के लोग कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी गुहार नगर विधायक के सामने रखी। इन लोगों का कहना है कि उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा नीरा उतार कर एजेंसी को देने की बात सरकार के द्वारा की गई थी और एजेंसी के द्वारा इसका उत्पादन किया जाना था, लेकिन एजेंसी के द्वारा यह नीरा नहीं लिया जाता है और ना ही नीरा बेचने का कहीं कोई जगह चिन्हित किया गया है जहां जाकर वह नीरा बेच सके। वहीं जब ये लोग नीरा उतार कर घर लाते हैं तो उत्पाद विभाग के द्वारा इन्हें पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और नीरा को शराब बताया जाता है। इन लोगों का कहना है कि कई पीढ़ी से इन लोगों का परिवार इसी काम में लगा हुआ है, वहीं अगर ये लोग यह काम नहीं करेंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। वहीं विधायक ने बताया कि इसको लेकर वह मुख्यमंत्री और उत्पाद विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे कि इन लोगों को परेशान नहीं किया जाए और एजेंसी इनसे नीरा ले, और अगर एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो ऐसी एजेंसियों पर कार्रवाई की जाए। पढ़ाई कराने के अनोखे अंदाज से बनाई राय मीनाक्षी ने एक अलग पहचान। शिक्षिका के पढ़ाने के अनोखे अंदाज का वीडियो खूब हो रहा है वायरल। बिहार के भागलपुर शाहकुंड की एक शिक्षिका ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। राय मीनाक्षी की पढ़ाई कराने का अंदाज बच्चों को खूब भा रहा है। शिक्षिका राय मीनाक्षी के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की चर्चा आज सबों के जुबां पर है। वह हर दिन नए नए प्रयोग कर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराती हैं, जिससे बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चे विद्यालय भी नित्य प्रतिदिन आते हैं। बिहार में अमूमन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका शायद ही बेहतर देखने को मिल पाता है, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं और सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं। दरअसल भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अंबा कन्या की शिक्षिका राय मीनाक्षी जितेंद्र सिंह के पढ़ाने के तरीके के लोग घायल हो गए हैं। आईएएस दीपक कुमार सिंह ने भी वीडियो शेयर कर शिक्षिका की सराहना की है। शिक्षिका 5वीं कक्षा के छात्र पीयूष से काफ़ी सुरीले और मजाकिया अंदाज में सब्जियों के नाम पूछ रही हैं और छात्र भी मस्ती से उसे बता रहे हैं। इसी दौरान साथी शिक्षिका ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। शिक्षिका मीनाक्षी बीकॉम ऑफिस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। शिक्षिका 3री से 5वीं कक्षा के बच्चों को वह सिखा रही हैं जो सरकारी विद्यालयों में शायद 8वीं तक के बच्चे सीख पाते हैं। शिक्षिका मीनाक्षी ने बताया कि उनके स्कूल में इस तरह की ही पढ़ाई होती है। बीते दिनों इसी तरह सब्जी बेचने का ड्रामा कर रहे थे तो शिक्षिका ने वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। बच्चे खेल खेल द्वारा खुशी से पढ़ते हैं और सीखते भी हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अगर बच्चों में शिक्षा का संचार होता है, जिससे बच्चे भी आकर्षित होते हैं और स्कूल भी आते हैं। इस ओर हमारा प्रयास भी है कि सभी सरकारी स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई हो। आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। बहरहाल ऐसी पढ़ाई अगर बिहार के हर स्कूलों में हो तो हमारे नौनिहाल अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे और बिहार की गरिमा भी बरकरार रहेगी। 8 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मिला प्लास्टिक के बोरे में।
बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। आए दिन अपराधी चोरी, डकैती, लूट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों के ऊपर प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। ताजा मामला सनोखर थाना क्षेत्र के धनोरी गांव समीप गेरुए नदी के पास की है, जहां अपराधियों ने एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या कर शव को एक प्लास्टिक के बोरे में फेंक दिया। वहीं गांव वालों ने शोर मचाया, तब जाकर पूरे गांव में सनसनी सी फैल गई। फिर पुलिस को गांव वाले ने मोबाइल से सूचित किया, फिर सनोखर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। 8 वर्षीय मासूम लड़की के शरीर पर कपड़ा तक नहीं था। प्रथम दृष्टिया से यह केस कुछ और ही मोड़ ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई वहशी दरिंदे ने शायद इस मासूम के साथ कुछ गलत किया हो। लोगों तक बात ना जाए इसके लिए शायद उसे जान मार कर गेरुआ नदी में फेंक दिया हो। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है और घटना की छानबीन कर रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बच्चे बच्चे की लड़ाई में बड़ों ने दिखाई अपनी ताकत, हुए कई घायल, मायगंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बच्चे बच्चे की लड़ाई इस कदर तुल पकड़ता चला गया कि वह लड़ाई बड़ों के आन बान शान की हो गई। बच्चों की लड़ाई में बड़े लोग भिड़े और जमकर लाठी डंडे और लोहे के रॉड से एक दूसरे पर प्रहार किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के मोहम्मद मुनव्वर शाह हुसैन के मंझले भाई मोहम्मद सोनू शाह और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे की शिकायत पर अपने बड़े भाई को लाठी डंडे से बुरी तरह पीट डाला। गंभीर अवस्था में घायल को मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिल्क कारोबारी अफजाल हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही पर विधायक अजीत शर्मा ने प्रशासन पर उठाई सवाल। नाथनगर थाना क्षेत्र के केबीलाल रोड में बुधवार की रात लगभग 10 बजे सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मृतक सिल्क कारोबारी के परिवार से मिले। वहीं सरकार में शामिल विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मृतक के भाई ने अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उसे फांसी की सजा दिलाई जाए। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही है और लग रहा है कि पुलिस हत्यारों से मिली हुई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी से मामले को लेकर वे बात करेंगे। वहीं बेगूसराय मामले को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं बीजेपी नेता, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जल्द ही साजिशकर्ता का भी खुलासा पुलिस करेगी। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से 8 दिवसीय सुपर लीग का आयोजन सैंडिस कंपाउंड मैदान में हुआ प्रारंभ। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में 8 दिवसीय भागलपुर फुटबॉल सुपर लीग का पहला मैच आज सबौर फुटबॉल क्लब एवं बरहपुरा फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इसके पूर्व खेल का विधिवत शुभारंभ आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सबौर एवं बरहपुरा के बीच कांटे की टक्कर देखी गई और मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन को देखकर दर्शक भी काफी उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि इस फुटबॉल लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं एवं प्रत्येक दिन 2-2 मैच खेला जाएगा। वहीं इस आयोजन को लेकर इस प्रीमियर लीग के प्रायोजक युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि युवाओं में खेल के प्रति रुचि को देखते हुए एवं उनके प्रोत्साहन के लिए लगातार कई टूर्नामेंट एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया है और आगे भी इस तरह का आयोजन करता रहूँगा एवं युवाओं का हौसला बुलंद करता रहूँगा। उन्होंने सभी टीमों को आगे के लिए शुभकामनाएं दी एवं आयोजन को सफल संचालन हेतु डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का आभार जताया। इस अवसर पर कई खिलाड़ी, दर्शक एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा का हुआ आयोजन।
भागलपुर के पंसल्ला चौक स्थित एक निजी विद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए रहमानिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन बिहार के 3 जिलों भागलपुर, बांका और ईस्ट चंपारण में आयोजित की गई, जिसमें भागलपुर जिला से 1500, बांका से 500 और ईस्ट चंपारण से 500 छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए। सफल हुए छात्र छात्राओं को उनके कैटेगरी के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वही फाउंडेशन के प्रोजेक्ट हेड राजकिशोर भगत ने बताया कि इसका उद्देश्य बिहार बोर्ड के छात्र और छात्राओं को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ना और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इस मौके पर संस्था के संचालक राजकुमार सिंह, रीजनल मैनेजर अजीत कुमार के साथ साथ राहुल कुमार, छोटे लाल ठाकुर, जितेंद्र कुमार, पंकज कुमार सिंह, आशीष कुमार पटेल, मोहम्मद सैफ आदि उपस्थित थे।